आप सभी ने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन ये सभी अब इतिहास बन चुका है। दरअसल 1 जुलाई यानी कि आज से कई सारे नए कानून बनाए गए हैं और इन कानूनों में कई सारे बदलाव भी किए गए हैं। महिलाओं से जुड़े अपराधों में पहले से ज्यादा अब अपराधियों को सजा मिलेगी। इन नए कानूनों में क्या कुछ बदलाव किया गया है, उन सभी कानूनों के बारे में आइए हम एक एक करके जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी, कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू होंगे। 20 पॉइंट में जानिए तीनों नए कानून में क्या कुछ खास है। 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए मामलों में नए कानून का असर नहीं होगा, यानी जो केस 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए उनकी जांच से लेकर ट्रायल तक पुराने कानून का हिस्सा होगा। 1 जुलाई से नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज हो रही है और इसी के अनुसार जांच से लेकर ट्रायल पूरा होगा। बीएनएसएस में कुल 531 धाराएं हैं। इसके 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जबकि 14 धाराओं को हटा दिया गया। 9 नई धाराएं और 39 उप धाराएं जोड़ी गई। पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। भारतीय न्याय संहिता में कुल 357 धाराएं हैं। अब तक आईपी से 511 धाराएं थी। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। नए कानून में 6 धाराओं को हटाया गया, 2 नई धाराएं और 6 उप धाराएं जोड़ी गई। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में कुल 167 धाराएं थी। नए कानून में ऑडियो वीडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर जोर दिया गया, फॉरेंसिक जांच को अहमियत दी गई। कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज करा सकेगा। जांच के लिए मामले को संबंधित थाने में भेजा जाएगा। अगर 0 एफआईआर ऐसे अपराध से जुड़ी है जिसमें 3 से 7 साल तक सजा का प्रावधान है, तो फॉरेंसिक टीम से साक्ष्यों की जांच करवानी होगी। अब ई सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। हत्या, लूट या रेप जैसे गंभीर धाराओं में भी ई एफआईआर हो सकेगी। वॉइस रिकॉर्डिंग से भी पुलिस को सूचना दे सकेंगे। ई एफआईआर के मामले में फरियादी को 3 दिन के भीतर थाने पहुंचकर एफआईआर की कॉपी पर साइन करना जरूरी होगा। फरियादी को एफआईआर बयान से जुड़े दस्तावेज भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा आरोपी से हुई पूछताछ के बिंदु भी ले सकते हैं। एफआईआर के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी जरूरी होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर जजमेंट यानी फैसला देना होगा। जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी। पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित में बताना होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन भी सूचना देनी होगी। महिलाओं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बीएनएस में कुल 36 धाराओं में प्रावधान किया गया है। रेप का केस धारा 63 के तहत दर्ज होगा। धारा 64 में अपराधी को अधिकतम आजीवन कारावास और न्यूनतम 10 वर्ष कैद की सजा का प्रावधान है। धारा 65 के तहत 16 साल से कम आयु के पीड़ित से दुष्कर्म किए जाने पर 20 साल का कठोर कारावास, उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान है। गैंग रेप में पीड़िता यदि वयस्क है तो अपराधी को आजीवन कारावास के प्रावधान है। 12 साल से कम उम्र की पीड़िता के साथ रेप पर अपराधी को न्यूनतम 20 साल की सजा, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान है। शादी का झांसा देकर संबंध बनाने वाले अपराध को रेप से अलग अपराध माना गया है, यानी उसे रेप की परिभाषा में नहीं रखा गया। पीड़ित को उसके केस से जुड़े हर अपडेट की जानकारी हर स्तर पर उसके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए दी जाएगी। अपडेट देने की समय सीमा 90 दिन निर्धारित की गई है। राज्य सरकार अब राजनीतिक केस से जुड़े केस एक तरफा बंद नहीं कर सकेगी। धरना प्रदर्शन उपद्रव में यदि फरियादी आम नागरिक है तो उसकी मंजूरी लेनी होगी। शरीर पर चोट पहुंचाने वाले अपराधों को धारा 100-146 तक बताया गया है। हत्या के मामले में धारा 103 के तहत केस दर्ज होगा। धारा 111 में संगठित अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। धारा 113 में टेरर एक्ट बताया गया है। मॉब लिंचिंग के मामले में 7 साल की कैद या उम्र कैद या फांसी की सजा का प्रावधान है। चुनावी अपराध को धारा 169 और 177 रखा गया है। संपत्ति को नुकसान, चोरी, लूट और डकैती आदि मामले को धारा 303 और 334 तक रखा गया है। मानहानि का जिक्र धारा 356 में किया गया है। दहेज हत्या धारा 69 में और दहेज प्रताड़ना धारा 84 में बताई गई है।